बीदर शहर के मैलूर चिदरी रिंग रोड हाल ही में हुई बारिश के कारण सड़क पर गहरे और घातक खड्डे हो गए हैं, जिससे लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं और कोई बड़ी दुर्घटना होने का खतरा बना हुआ है। इसको देखते हुए मैलूर के दो ऑटो चालक युवक सैयद आरिफ और नूर खान ने मानवता दिखाते हुए इन खड्डों को दोनों ने मिलकर मिट्टी और पत्थरों से भरने का काम किया है। दोनों युवकों का मानना है कि इस्लाम में लोगों की मदद करने का हुक्म है, इसलिए हमने यह खड्डे मानवता के लिए भरे हैं ताकि इन खड्डों के कारण कोई हादसे का शिकार न हो। केपी न्यूज के न्यूज एडिटर डॉक्टर मसूद ने कहा कि इस खबर को चलाने के दो अहम कारण हैं। पहला कि युवक का हौसला और मानवता देखकर और लोग इससे प्रेरित हों, और दूसरा कि नगरसभा अपनी नींद से जागे और शहर में रहे सभी सड़कों के खड्डों को कम से कम अस्थायी रूप से भरने का प्रयास करे। इस संबंध में केपी न्यूज ने इसी सप्ताह शाहपुर गेट से गुम्पा रिंग रोड के खड्डों के बारे में न्यूज चलाई थी। इस पर न्यूज एडिटर डॉक्टर मसूद ने नगरसभा आयुक्त प्रभु कामले ने कहा था कि सड़क के काम का वर्क ऑर्डर हुआ है, जल्द ही काम शुरू होगा। हालांकि मसूद आयुक्त से अस्थायी रूप से तुरंत खड्डे भरने का आग्रह किया था। इन दो युवकों की मानवता को देखते हुए और भी युवकों को सबक सीखना चाहिए कि हम जिस समाज में रहते हैं उसके प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। ये गड़ा पड़ गया था, तो आज में रात के टाइम आके अंधेरा है, यहाँ लाइट नहीं है। रात में आके क्या है कि यार चुप अल्लाह को राजी करने के लिए सब चुप आके मट्टी डाले, अब आपके लिए सिर्फ अल्लाह को राजी करने, इसमें कोई मकसद नहीं होता हमारे वास्ते, खाली अल्लाह राजी हो जाए। बस आप क्या काम कर रहे हैं? हम ऑटो चलाते हैं, हमारा ऑटो भी है। हम मैलूर बीदर मैलूर में रहने वाले, नीचे गोदाम के पास बस रोड खराब दिखी, अच्छा नहीं दिखा। हम पत्थर ईंट भी हटा दिए, है सवाब के लिए हम काम करेंगे, बस अल्लाह हमसे राजी हो जाए।